नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी स्लीपिंग सिकनेस की, जो कार्प में हो जाती है। उसके लिए जो मैंने मेडिसिन यूज़ करी थी वो शायद लोग देख नहीं पाए थे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही एक्वाडीन कंपनी की एंटी फंगस आती है 4 नंबर की, इसका आपको 10 ml डालना है। इसके ऊपर ढक्कन में 5 ml लिखा होता है, 2 ढक्कन डालने। एक ही कॉपर एक्ट आती है, ये कॉपर एक्ट जो है आपकी मेडिसिन, ये 5 ml 50 लीटर पानी में डलती है। ये पेट केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, वरना मेरे पास अवेलेबल रहती है। और एक एक्वाजेल है, ये स्मूथिंग के लिए होती है। जैसे आप जैसे मछली स्लीपिंग डिसीज हो जाती है, ये 10 ml यूज़ करी जाती है 50 लीटर पानी की। ये एक स्मूथिंग करी जाती है, मतलब कार्प जब स्लीपिंग हो जाती है उसके बाद डाली जाती है। ये आप मेडिसिन यूज़ करिए। और जो मेन एसेंस है इसके लिए, ये रॉ सॉल्ट है, डेले वाला नमक जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आप इसको यूज़ करें, 25% पानी जो है इसका आप चेंज करें दूसरे दिन। पहले दिन आपने जैसे पानी डाला उसका 25% चेंज करें दवाई डालने के बाद, फिर दवाई का यूज़ करें। उस दिन डेले वाला नमक यूज़ ना करें। तीसरे दिन जो आप मेरे पार्ट 3 देखा होगा, तीसरे दिन आपकी मछलियाँ जो कोई कार्प हैं वो सीधी खड़ी हो जाएंगी। धन्यवाद।